राजस्थान की जीके का भंडार, राजस्थान की शान और सामान्य ज्ञान, कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार स्पर्श करती है, मतलब दो बार प्रेम करती है कि भैया कर्क रेखा को, ऐसी नदी कौन सी है जो दो बार क्रॉस करती है, ऐसी नदी हम आपको बता दें हमें कि वो नदी कौन सी और कहाँ से क्रॉस करती है। देखिए चलते हैं आगे और समझिए अपना आगे का सिस्टम और आगे का नॉलेज। पहले बता देते हैं कि बहुत सारा नॉलेज है। सबसे पहले मांडलगढ़ के पास कौन सी तीन नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती है, ऐसी तीन नदियाँ कौन सी है जो मांडलगढ़ में तीन संगम बनाती है। आंसर है बनास, बेड़च और मैनाल, तीन नदियाँ ऐसी जो त्रिवेणी संगम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है, बिसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है। आगे चलिए भाई साहब, 173, कर्क रेखा दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को दो बार क्रॉस करती है। राजस्थान में खारे पानी के जिले में सागर के अवशेष कौन से हैं, तो 33 सागर। नेक्स्ट, पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी बनास, विश्व की सबसे प्राचीनतम प्राचीन वलित पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला। नेक्स्ट, अरावली की सबसे ऊंची छोटी छोटी नहीं ये भाई साहब सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो वो हम आपको बता दें मैं कि सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली उत्तर पूर्व में किस जिले में प्रवेश करती है, झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अधिकतम जिला कौन सा है, झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चलने वाली शुष्क और दुर्भरी हवाएं क्या कहलाती है, तो उसे कहते हैं लू, जो गर्म होती है और अधिकतर ये गर्मी के मौसम में चलती है। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बढ़ते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ओके।